रोहतक में दो ट्रकों की आमने सामने की टक्कर में दो लोगों की मौत, दो गंभीर घायल, ट्रकों के उड़े पर खच्चे। जी हां, आपको बता दें, रोहतक के सापला से नया बांस के बीच में सापला बाईपास पर दो ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों ट्रकों के पर खच्चे उड़ गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची, जहां पर काफी मशक्कत के बाद ट्रकों को अलग किया गया और घायलों को बाहर निकालकर पीजीआई में लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में दोनों ट्रकों के चालकों की मौत हो गई है, जिनकी पहचान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी करीब 32 वर्षीय आस मोहम्मद व उत्तर प्रदेश के योगेंद्र के रूप में हुई है। दोनों ही ट्रक चालक है और आमने सामने की टक्कर में दोनों की मौत हो गई। वहीं ट्रकों के परिचालक अर्जुन यादव और मांगा घायल हो गए। पुलिस के अनुसार चालक आस मोहम्मद व परिचालक मांगा झज्जर की तरफ से आए थे और खरखोदा की तरफ जा रहे थे, तो दूसरे ट्रक के चालक योगेंद्र व परिचालक अर्जुन यादव खरखोदा की तरफ से आए थे और झज्जर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सापला के आउटर बाईपास गीजी बाईपास के ऊपर दोनों ट्रक आमने सामने से भिड़ गए। जांच अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि दो ट्रकों के एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और देखा दोनों ट्रक बहुत ही बुरी तरह से भिड़े हुए थे, जिसके बाद हाइड्रा को बुलाकर दोनों ट्रकों को अलग किया गया। दोनों ट्रकों में कुल चार लोग सवार थे, जिनमें से दोनों चालकों की मौत हो गई है और परिचालक घायल हो गए हैं। पुलिस कार्यवाही में जुटी हुई है। सुनील कुमार, थाना सापलाम पोस्ट जी, क्या सूचना मिली थी आपको? सुबह सूचना मिली थी, दो ट्रकों का एक्सीडेंट हो गया आउटर बाईपास गीजी फ्लाईओवर के ऊपर जी। तो दोनों ट्रक आपस में भिड़े हुए थे, हाइड्रा को बुला के ट्रक ड्राइवर को निकाला गया। एक की मौके पर मौत हो गई ट्रक ड्राइवर की, जो योगेंद्र की, जो आस मोहम्मद है उसको निकाल कर यहाँ भेजा गया। कितने लोग, कितने लोग थे कुल? इसमें चार लोग थे, जो कंडक्टर है वो सीरियस हालत में है, जो दोनों ड्राइवर है उनकी मौत हो चुकी है। आस मोहम्मद और आस मोहम्मद की तो मौके पर मौत हो गई थी, और योगेंद्र को यात्रा में मरने के बाद मौत हो गई। घायलों का इलाज घायलों का तो पहचान होगी दोनों पहचान होगी।